18 प्लस वैक्सीनेशन शुरू, कैबिनेट मंत्री ने स्वास्थ्य केंद्रों का करा निरीक्षण। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिस खतरे को देखते हुए और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए यूपी में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके साथ ही अब वैक्सीनेशन भी तेजी से कराई जा रही है। मुरादाबाद सहित और 10 जनपदों में वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में अब 18 जनपदों में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। सुबह से ही सभी वैक्सीनेशन केंद्र पर मुरादाबाद वैक्सीनेशन सेंटर से कोविड की वैक्सीन भेजी गई है। 18 प्लस से लेकर 44 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीन का काम सुबह से ही जनपद के 22 स्वास्थ्य केंद्रों पर शुरू हुआ है, जिसमें युवा बढ़ चढ़ कर इसको वैक्सीनेशन लगवाने में हिस्सा ले रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस की चेन पूरी तरीके से समाप्त की जा सकती है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र चौधरी ने स्वास्थ्य केंद्रों पर फीता काटकर उद्घाटन किया और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कराया और डॉक्टर को टीका लगवाने के लिए आ रहे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का आदेश दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रयास कर रही है। मुरादाबाद जनपद 18 साल से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर किया जा रहा है। सुबह से जिला प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग में वैक्सीनेशन के कार्य शुरू करने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर पूरे इंतजाम कर लिए थे। वैक्सीनेशन स्टोर से सुबह से सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन को भिजवाया गया है। स्वास्थ्य कर्मी सुबह से ही वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच गए हैं और लोगों को वैक्सीनेशन करने की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुंचते ही लोगों को लगाना शुरू हो गई है, जिसमें युवा बढ़ चढ़ कर पंजीकरण कराकर अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। वहीं जब वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मी से बात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, देखिए लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए वैक्सीन अभियान को तेजी से चलाने के लिए निर्देश दिए हैं, जिसके चलते जनपद में वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से ही वैक्सीन पहुंचा दी गई थी और साथ ही वैक्सीन सेंटरों पर पंजीकरण करे गए लोगों की वैक्सीनेशन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराई जा रही है। नेहा चौहान। आई थिंक कि सबको लगवानी चाहिए वैक्सीन, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और मैं चाहूँगी कि लोग आगे बढ़ें और वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आएँ। अभी तो नॉर्मल है और सेकंड वैक्सीन के लिए भी आएंगे। अच्छा रहा एक्सपीरियंस, स्टाफ का अच्छा है, हेल्पफुल है। ओके थैंक यू। सृष्टि जैन। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया है, सब पूरा देश वैक्सीनेटेड हो जाएगा तो लाइफ थोड़ी हमारी नॉर्मल ट्रैक पे वापस आ जाएगी और ये बहुत अच्छा है इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। अच्छा लग रहा है कि थोड़ी तो प्रोटेक्शन हुई मुझे कोरोना से। और क्या कहें, बहुत वैक्सीन नहीं बहुत अच्छा है। हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई है इतना ट्रायल करके, इतने कम टाइम में वैक्सीन कोई भी नहीं आती है, सबको पता है बहुत कम है, लेकिन हमारे देश के साइंटिस्ट का ये है कि उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, जिन्होंने इस बीमारी के अगेंस्ट देशवासियों को कुछ प्रोटेक्शन दी है और उनके ही मैं बहुत दाद देना चाहूँगी, उन्हें सैल्यूट करना चाहूँगी। मयंक चौहान। हाँ, वैक्सीन लग के बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हम भी कोविड-19 के वैक्सीनेटेड हो गए हैं अब, और हम लोग सभी से अपील करना चाहेंगे कि सब लोग आके इसमें वैक्सीन लगवाएं अपने आप को और अपने देश को सुरक्षित बनाएं। काफ़ी अच्छा लग रहा है जी, क्षेत्रवासियों से यही कहेंगे कि बढ़ चढ़ कर कोविड वैक्सीन आके लगवाएं यहाँ पे, जिससे कि हम इस कोविड-19 की चेन को तोड़ सकें। टीकाकरण के अभियान के जो 18 से 44 साल तक के बच्चों का टीकाकरण होना है, उसमें प्रथम सत्र में 7 जिले लिए गए थे। आज लगभग सभी महानगरों में मुरादाबाद सहित ये अभियान प्रारंभ हुआ है। मुरादाबाद में 22 स्थानों पर इसका टीकाकरण हुआ है। जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हें आज टीके से आच्छादित किया जाएगा। देश में जो महामारी है उसके लिए टीकाकरण एक स्वच्छ व्यवस्था है, सुरक्षित व्यवस्था है, और हमें सबको मिलकर
इस अभियान को सफल बनाना है। सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार हम सबको उसका पालन करना है। वैश्विक महामारी है और वैश्विक महामारी से हम लोग सब मिलकर ही लड़ेंगे, तभी इस पर विजय प्राप्त करेंगे।